तो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है तो रेस्क्यू का वीडियो, आप देखेंगे रेस्क्यू, लेकिन ये वीडियो में कुछ हटके भी है। क्या है ये आपको वीडियो में पता चलेगा, पहले आप थोड़ा सा वीडियो देखिए। यही तो हम भी सोच रहे हैं क्या हुआ है, इसको हिल नहीं रहा ये यहाँ से। ऐसे तो इसको तुरंत हट जाना चाहिए था। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आप भी देख लिया। ऐसा तो नहीं सुख तिरंट रन लग गया, आजा। अरे ऐसा तो नहीं सुख तिरंट रन, क्योंकि जिस तरह से ये चिपक गया उस तरह से हिल नहीं रहा। चलिए देखते हैं, हो सकता है पानी डाला है अर्थिंग की वजह से। दोस्तों इस सांप को, इस सांप निकला या नहीं निकला ये थोड़ा सा और आगे वीडियो में आप देखिए, और लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें भी हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। अफसोस की बात, जिंदा सांप ये बहुत एक्टिविटी करता है, ये बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है, मेरे ज़िंदगी का शायद ये दूसरा रेस्क्यू है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने क्रैथ रेस्क्यू किया था, वो भी डेथ रेस्क्यू हुआ था, और ये दूसरा रेस्क्यू है कि एक, और ये होता है सिर्फ डर की वजह से दोस्तों, कि हमारा डर या तो हमारी जान लेता है या तो किसी और की जान लेता है। और यही वजह रहा कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, देखिए आप लोग, दो चीज़ों की वजह से इसकी जान गई होगी। एक तो फिनाइल डाला गया है, मैं आया था उससे पहले भी डाला गया है और फिर हमने भी डाला है, और दूसरी बात है कि अर्थिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे भी अर्थिंग लगी यहाँ पर। तो फिनाइल या वाटर डालने की वजह से इसको अर्थिंग लगी हुई, ये ज़्यादा चांस है, क्योंकि फिनाइल की वजह से तो ये बाहर आ सकता था। सिर्फ एक ही वजह है कि करंट इसको लगा है, जिसकी वजह से ये भाग नहीं पाया और अपनी जगह से नहीं हट पाया। तो क्या कहें इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सांप बिल्कुल ही दोस्तों बिना जहर वाला होता है, और इसका नाम वॉल्व स्नेक है, इसे हम लोग लोकल भाषा में गंडा गड़ेता जैसा बोलते हैं। और ये सांप काटने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नॉन वेनमस यानी बिना जहर वाला होता है। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आज के लिए हम क्या जानकारी दें, क्योंकि अपसेट हो चुका मूड मेरा, 30 किलोमीटर आए हैं हम दूर से यहाँ पर, और उसके बाद में कोशिश ये थी कि लोगों का डर दूर किया जाए और सांप की जान बचाई जाए, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे सांप की जान चली गई। तो दोस्तों फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि ये सांप, इसको पहचान लीजिए अच्छे से, ये सांप जो ब्राउन कलर में होता है, हल्के से येलो इसके जो स्पॉट्स रहते हैं, वाइट भी आपको दिख सकते हैं, येलो भी दिख सकते हैं, ये सांप की लेंथ डेढ़ से दो फीट तक होती है, और आपकी उंगली, छोटी उंगली के बराबर इसकी चौड़ान यानी मुटान होती है। और ये आम तौर पर शहर में, घरों में सांप रहते हैं, और इनकी रहने की मेन वजह क्या है दोस्तों, वो ये है कि इन्हें छिपकलियाँ और कॉकरोच और छोटे मोटे इंसेक्ट पसंद हैं, और ये नीचे ज़मीन पे रहने से ज़्यादा दीवारों में रहना इसलिए पसंद करते हैं कि इन्हें छोटे सांप, दूसरे सांपों से भी खतरा है, और साथ ही साथ इन्हें जो खतरा है वो जो घरों में छछूंदर वगैरह रहते हैं या कुछ मेंढक वगैरह इनका शिकार कर लेते हैं, तो इसलिए ये दीवारों में रहना पसंद करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, प्लस अपने जो इनका भोजन है, आहार है, और दीवारों की झीरी वगैरह में ही अपने अंडे देते हैं, जिनमें से बच्चों का फिर निकलना होता है। पर इसकी ज़िंदगी दोस्तों यहीं तक थी, उम्मीद है, दुआ करते हैं दूसरा कोई रेस्क्यू मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो। ये सांप जो मरा है इसके पीछे मेन वजह थी लाइट इलेक्ट्रिक, क्योंकि जब मैं वहाँ पर उसको निकालने की कोशिश कर रहा था मुझे भी अर्थिंग लगी। जैसे अर्थिंग लगती है मैं खुद समझ गया कि यहाँ पर ये सांप मर गया होगा, क्योंकि जब मुझे अर्थिंग लग रही है और यहाँ पे बैठा हुआ है
तो और पूरा भीगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी सांप मर गया होगा। और वही हुआ लास्ट में कि सांप जो निकला वो मरा निकला। तो दोस्तों अब इस पर हम क्या कमेंट करें, हम मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। आप ही लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा और उसमें क्या होना चाहिए था, क्या सही क्या गलत, ये आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों हमारे वीडियो, क्योंकि मैं लाता हूँ सांपों से जुड़ी हुई जानकारियाँ हर तरह की, साथ ही साथ में रेस्क्यू उसके वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सांप या किसी और जानकारी के साथ में किसी और जगह, तक के लिए वेट करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।